नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। आज है 30 मई 2024। मैं हूँ संजय सिंह महान और आज हम आपके लिए लाए हैं बुंदेलखंड की ताजा खबरें। आइए शुरू करते हैं प्रमुख सुर्खियों के साथ। लू और बुखार से हमीरपुर महोबा में 15 की गई जान, महोबा में 8 और हमीरपुर में 7 लोगों की मौत। पारा 47.6 डिग्री सेल्सियस पहुँचा। सरीला में पावर हाउस के कंट्रोल रूम में अचेत मिला लाइनमैन ओम प्रकाश, हुई मौत। हमीरपुर में दहेज हत्या में पति को 7 साल की सजा। मौदा में कमरे में मिला वृद्ध शिक्षक अलक्षेंद्र का शव। मौदा में छोटे भाई से झगड़कर बहन सानिया ने फांसी लगाकर दी जान। हमीरपुर में जिला जज विष्णु प्रसाद शर्मा ने किया जिला कारागार का निरीक्षण। हमीरपुर लोकसभा प्रत्याशी गायब बेटी को पुलिस ने खोजा, मेडिकल के लिए भेजा गया। एकलव्य समाज पार्टी का है प्रत्याशी। महोबा के कबरई ब्लॉक में टीकाकरण की धीमी गति से भड़के जिलाधिकारी। हमीरपुर में मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण आज। मतगणना एजेंट के लिए एक आवेदन प्राप्त, आज है अंतिम तिथि। बिना पास वालों को नहीं मिलेगा प्रवेश। प्रत्येक प्रत्याशी के बनेंगे 41 मतगणना एजेंट। 4 जून को सुमेरपुर स्थित नवीन गल्ला मंडी में होनी है मतगणना। महोबा में अपने साथ दिल्ली न ले जाने पर महिला कमलेश ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। महोबा में गल्ला व्यापारी बालकिशुन से दिन दहाड़े 1 लाख रुपए की टप्पीबाजी। आईटीआई महोबा में 2 जून को लगेगा अप्रेंटिस मेला। धूप और गर्मी से तपती बसें, चालकों का हाल है बेहाल। राठ में एक चालक की हो चुकी है मौत। बीएसए हमीरपुर ने कहा पर्षदी स्कूलों से हटेंगे अतिरिक्त शिक्षक। मौदा में 20 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप होने से हुआ हंगामा। कुरारा में हिस्ट्री सीटर के पिता रामसागर यादव का शव मिला। हमीरपुर में 29 दिन में फूके 130 ट्रांसफार्मर, ठंडा रखने के लिए लगाए गए कूलर। हमीरपुर में कुत्तों का आतंक जारी, 10 दिन में 113 लोग हुए शिकार। हमीरपुर में 12 ओवरलोड ट्रक पकड़े, 7,25,000 का लगाया गया जुर्माना। महोबा में पोल में लगी आग, बीएसएनएल नेटवर्क हुआ धड़ाम। उरई में दिन में तपिश, शाम को रही आंधी पानी से राहत। दोपहर में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री किया गया दर्ज। उरई में लू लगने से 2 की हुई मौत। उरई में गर्मी की वजह से आंगनवाड़ी केंद्र हुए बंद। उरई के एट में हरे पेड़ काटने पर मोहल्ले वासियों ने किया हंगामा। मोहम्मदाबाद में गड्ढे में डूबकर चरवाहे बाबू की हुई मौत। कालपी में 2 दोस्तों ने एक साथ खाया जहर, धार्मिक प्रवचनों से थे प्रभावित, मौत का स्टेटस भी लगाया। पहुँच में युवक हेमंत को कार में डालकर ले गए युवक, बंधक बनाकर जमकर पीटा। उरई में फर्जी नियुक्ति पत्र देकर की धोखाधड़ी। उरई में सरकारी भांग की दुकानों से अवैध कारोबार, 7 गिरफ्तार। उरई में लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर फूके, शहर की 50,000 आबादी रही परेशान। 1 महीने में 300 ट्रांसफार्मर फूके। उरई में मनमाफिक पैथोलॉजी से जांच न कराने पर गर्भवती के साथ की गई अभद्रता। बांदा में टूटा 35 साल का रिकॉर्ड, पारा 49 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। चित्रकूट में लू और पेट दर्द से 6 की मौत। बांदा में वाहन की टक्कर से महिला रुकमणी की मौत, बेटे की हालत गंभीर। बांदा में पीट कर हत्या, 4 को ही उम्र कैद। अतर्रा में दहेज के लिए विवाहिता को जलाया। बांदा में सर्पदंश से किसान राम नरेश की गई जान। बांदा में बीमार बुजुर्ग रामेश्वर ने की आत्महत्या। जिलाधिकारी चित्रकूट बोले सीसीटीवी कैमरों की बढ़ाई निगरानी, स्ट्रॉन्ग रूम का किया गया निरीक्षण। फॉर्म 17C के मिलान के बाद ही शुरू होगी वोटों की गिनती। मौठ में गर्मी से फंगल संक्रमण के शिकार हो रहे मरीज, अब 25 रुपए में वर्चुअल हेलीकॉप्टर से करिए झांसी की सैर। मऊरानीपुर में गर्मी और लू से 10 लोग हुए बीमार। झांसी में वेल्डिंग मशीन से टकराई वंदे भारत एक्सप्रेस। टहरौली में बाइक सवार दंपति से तमंचा सटाकर जेवरात लूटे। गर्मी में गस खाकर गिरा उल्दन निवासी दरोगा रणकेंद्र सिंह, अस्पताल में हुई मौत। पूछ में बेतवा में नहाने गए युवकों को पीटा, रुपए भी छीने। झांसी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने तोड़ा दम। खिलारा में महिला ने फांसी लगाकर दी जान। मध्य प्रदेश ने टीकमगढ़ की प्यास बुझाने के लिए मांगा पानी। अब 1,000 एकड़ में बसेगा नया झांसी, 950 करोड़ रुपए होंगे खर्च। झांसी में आग से झुलसे बड़े भाई ने तोड़ा दम, छोटा भाई हुआ गिरफ्तार। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आज से डाउनलोड हो सकेंगे प्रवेश पत्र। झांसी में तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस रहा। ललितपुर में रुपए ऐंठने के लिए रची गई थी खुद के अपहरण की साजिश। झांसी में लगेगी प्लाईवुड बनाने की फैक्ट्री। झांसी में छात्रों ने बनाई ऐसी ड्रेस, इलाज का सारा सामान जेब में ही भर जाएगा। झांसी में घर में मिला एम्बुलेंस चालक का शव, 4 दिन पहले पत्नी छोड़कर गई थी मायके। ललितपुर में व्यापार मंडल ने स्मार्ट मीटर लगाने का किया विरोध। ये थी आज की प्रमुख खबरें बुंदेलखंड से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल यूपी ताजा न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी सुझाव या प्रतिक्रिया के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।